नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो आपके दोस्तों राजस्थान जीके यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी दोस्तों आज हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आ चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान ओल्ड जी के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप इनको देख सकते हैं और दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत की सर्वोच्च दो चोटियां किस जिले में है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें अरावली की सर्वोच्च चोटियों की तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों आपकी गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। इसके पश्चात दोस्तों है सैर, इसके पश्चात दोस्तों दिलवाड़ा और दोस्तों इसके पश्चात है आपके जरगा। अब दोस्तों गुरु शिखर, सैर और दिलवाड़ा की बात करें तो ये दोस्तों तीनों चोटियां हैं आपके दोस्तों सिरोही जिले में। किस जिले में दोस्तों? सिरोही जिले में। हमें पूछा इसमें कि सर्वोच्च दो चोटियां यानी गुरु शिखर और सैर किस जिले में है, ये दोस्तों आपकी सिरोही जिले में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब, और ये दोस्तों तीनों चोटियां यानी गुरु शिखर, सैर और दिलवाड़ा ये दोस्तों आपके सिरोही जिले में है। और जरगा की बात करें दोस्तों तो जरगा दोस्तों है उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। और दोस्तों इन चारों चोटियों को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये आपके पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र पर ये पाई जाती है दोस्तों आपके एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब होगा। अब एरिडिसोल्स की बात करें दोस्तों तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश में, कहाँ पर दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है और दोस्तों लगभग दो तिहाई भाग में दोस्तों इसका विस्तार है। और एंटीसोल की बात करें तो ये लगभग दोस्तों सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये लगभग सभी क्षेत्रों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों हमें पूछा है सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों विस्तार एरिडिसोल्स और दोस्तों एंटीसोल्स का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न, उद्योग निरीक्षक भर्ती 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू हुई? तो दोस्तों ये पर्यावरण नीति कब लागू हुई? ये हुई दोस्तों आपके 2010 में। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और दोस्तों बात करें अगर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की, किसकी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की, तो ये दोस्तों 2006 में लागू हुई। कब हुई दोस्तों? 2006 में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति लागू हुई दोस्तों 2010 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों प्रश्न, हमें कौन सी भैंस की नस्ल नहीं के बारे में पूछा है। तो दोस्तों मुर्रा आपके भैंस की नस्ल है, रावी ये भी है, सूरती भी है। दोस्तों राठी आपके भैंस की नस्ल नहीं है, तो ये किसकी नस्ल है? ये दोस्तों आपके गाय की नस्ल। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटवार भर्ती 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें काजरी की, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये शोध संस्थान है आपके जोधपुर में, कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। एक और है दोस्तों शोध संस्थान, ये दोस्तों आपके आफरी, कौन सा है दोस्तों? आफरी। इसकी फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? ये भी दोस्तों है जोधपुर में, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हमें पूछा है काजरी का, तो काजरी है दोस्तों आपके जोधपुर में, सही उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, पटवार भर्ती 2016 में, यानी दोस्तों जो मेंस आपकी हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सुमिलित कीजिए, ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों ए बी सी डी इस प्रकार लिख लीजिए और अपनाइए एलिमिनेशन मेथड को। तो इस पंक्ति में हमारे दे रखा है दोस्तों सिंचाई परियोजना, और इसमें दे रखा है दोस्तों आपके लाभान्वित जिले या फिर संबंध जिले। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर चंबल की, तो दोस्तों चंबल से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी अ में आएगा दोस्तों आपके एक नंबर। अब ऑप्शन की ओर देखिए कि अ में एक नंबर किस में है, तो दोस्तों एक तो ऑप्शन अ आपके एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ए में दोस्तों चार नंबर है तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, और दोस्तों आपके स भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी दोस्तों तीन नंबर है, हमें एक नंबर चाहिए तो ये भी है नहीं, यानी ब, और दोस्तों द में से एक उत्तर होगा। अब अगले की बात करें माही बजाज सागर की, तो माही बजाज सागर से दोस्तों लाभान्वित जिले हैं, संबंधित जिले हैं है दोस्तों आपके राजस्थान और दोस्तों गुजरात, तो बी के नीचे आएगा दोस्तों तीन नंबर। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो बी के नीचे तीन नंबर दोस्तों किस में? ऑप्शन ब में, तो ऑप्शन ब ही हमारे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे की बात करें अगर व्यास की, तो व्यास से दोस्तों संबंध जिले हैं आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? सी के नीचे आएगा दो नंबर। और बात करें सरदार सरोवर की, तो सरदार सरोवर से संबंध जिले हैं दोस्तों आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो डी के नीचे आ जाएगा दोस्तों आपके चार नंबर, तो एक तीन दो चार, तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो हरा संगमरमर दोस्तों किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों आपके उदयपुर जिले में, ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों उदयपुर में भी कहाँ? ऋषभ देव केसरिया जी में, कहाँ पर दोस्तों? ऋषभ देव केसरिया जी में, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो स ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला आठवां प्रश्न दोस्तों, सूचना सहायक 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई दोस्तों आपके 1964 में, और 1964 में भी कब? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1964 में, तो स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और कहाँ पर? ये है दोस्तों आपके जयपुर में, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर में है, तो स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले नौवें प्रश्न की ओर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? यानी दोस्तों हमें ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा है, तो दोस्तों बात करें अगर ग्रामीण जनसंख्या की, तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या आपके लगभग 75.1% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, तो ये है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 75%, तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अगर शहरी का पूछे, और अगर दोस्तों शहरी का पूछे, तो शहरी का हो जाएगा दोस्तों आपके 24.9%, कितना होगा? 24.9%, तो द ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। हमें गांवों के बारे में पूछा है, तो गांवों का है दोस्तों 75%, और शहरों का पूछे दोस्तों तो 24.9%, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दसवां प्रश्न, वही दोस्तों सुमिलित कीजिए,
से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखेगा, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूरा दोस्तों यानी 100% सही कराने के दोस्तों इसमें पूरा चांसेस रहता है। तो ये प्रश्न आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों, दिखते हमें हार्ड है लेकिन आसान प्रश्न होते हैं। इसमें वही दोस्तों एलिमिनेशन मेथड अपने ए बी सी डी लिख लीजिए और इनमें से देखिए इस पंक्ति में हमें दे रखे हैं पर्यटन केंद्र और इसमें दे रखे हैं दोस्तों आपके स्थान। अब देखिए कि इसमें से दोस्तों कौन सा हमें आता है। सबसे पहले बात करें सोनी जी की नसिया की, तो ये हमें अगर आता है तो दोस्तों सोनी जी की नसिया कहाँ पर है, अजमेर में, यानी एक नीचे तीन नंबर आएगा। अब ऑप्शन की ओर देखिए, एक नीचे तीन नंबर इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ब के ए में और ब भी दोस्तों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एक नीचे चार नंबर है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें दोस्तों एक नीचे तीन चाहिए। तो दोस्तों स और द में से एक ऑप्शन होगा, यानी 50% आप इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब अगर बात करें आपके दोस्तों जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ कलसा आसान सा है, सभी जानते हैं जूनागढ़ कहाँ पर है, तो जूनागढ़ है दोस्तों आपके बीकानेर जिले में, तो डी में होगा दो नंबर, तो इसमें भी दोस्तों दो नंबर, इसमें भी दो नंबर है तो कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला दोस्तों अगर बात करें लोहागढ़ की, बात करें अगर दोस्तों लोहागढ़ की, तो लोहागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में, कहाँ पर है भरतपुर में, तो बी के नीचे आएगा एक नंबर। अब ऑप्शन की ओर देखिए, बी के नीचे एक नंबर किसमें है, ऑप्शन द में, तो ऑप्शन द ही हमारा राइट आंसर होगा। चंद्रमहल की बात करें अगर, तो चंद्रमहल कहाँ पर है आपके, जयपुर में, तो सी के नीचे आएगा दोस्तों चार नंबर। तो 3142 ऑप्शन द होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बादला नामक पानी का बर्तन दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, ये दोस्तों आपके जोधपुर का, कहाँ का है, जोधपुर का, पटवार। 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और दोस्तों अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिक्के किस रियासत से या किस राज्य से संबंधित है जिसमें एक और तो महारानी विक्टोरिया का नाम और एक और दोस्तों महाराजा का नाम जो उर्दू भाषा में लिखा होता था। तो ये दोस्तों आपके आरएस प्री आरएस की परीक्षा में 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे सिक्के दोस्तों आपके थे बीकानेर जिले में, कहाँ से थे दोस्तों, बीकानेर रियासत में या बीकानेर राज्य में, और ये दोस्तों जारी किए गए थे ऐसे सिक्के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, और ये लगभग किए गए थे आपके 1862 में। कब किए गए दोस्तों, 1862 में। अब दोस्तों इसमें एक और महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ था, क्या लिखा था, महाराजा गंगा सिंह बहादुर, और ये एक रुपये का सिक्का था, कितना था, एक रुपये का सिक्का। तो ऐसे सिक्के आपके थे दोस्तों बीकानेर रियासत में, बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको किताबों में और दोस्तों पढ़ने में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और 13वां प्रश्न दोस्तों, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों, ये थी आपके मत्स्य जनपद की। किसकी, मत्स्य जनपद की, अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों महाभारत काल में इसे विराट नगर भी, क्या, विराट नगर भी दोस्तों कहा गया। और दोस्तों पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था, अज्ञातवास बिताया था। और दोस्तों बैराट वर्तमान की बात करें तो ये है दोस्तों आपके जयपुर में, कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। तो हमारे इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा, यानी बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, ये थी आपके मत्स्य जनपद की, अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले 14वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपके सेकेंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है कि जल दुर्ग कहाँ पर है। अब बात करें दोस्तों अगर जल दुर्ग की, तो इसे गागरोन दुर्ग भी कहते हैं, कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग भी।
अब गागरोन की भी बात करें तो ये है आपके झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ में। अब झालावाड़ में भी बात करें तो ये है आपके काली सिंध और दोस्तों आहू के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, कहाँ पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ होगा। और दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर संत पीपा और मीठे शाह के स्मारक भी दोस्तों यहाँ पर है। तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। जल दुर्ग है आपके गागरन दुर्ग, झालावाड़ में काली सिंध आहू नदियों के संगम पर, यहाँ संत पीपा और मीठे शाह के दोस्तों स्मारक भी है। इसका सही उत्तर हमारे होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों सेकेंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मंडोर के प्रतियार माने जाते थे, आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये माने जाते थे आपके क्षत्रिय, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 16वें प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 16वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम की सेना में कौन शामिल नहीं था। अब दोस्तों महाराणा संग्राम की सेना में कौन शामिल नहीं था, इसके बारे में हमें प्रश्न पूछा है। तो महमूद लोधी थे, हसन खां मेवाती भी थे, मालदेव राठौड़ भी दोस्तों महाराणा सांगा की सेना में थे, हकीम का सूर दोस्तों महाराणा सांगा की सेना में नहीं थे, ये थे दोस्तों आपके महाराणा प्रताप की सेना में। किसकी सेना में थे, महाराणा प्रताप की सेना में, ना कि दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह की सेना में या महाराणा सांगा की सेना में। तो सब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न फंसाने वाले प्रश्न होते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सेकंड के 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, ये जाने जाते हैं गोगा जी। कौन जाने जाते हैं, गोगा जी, और इन्हें गोगा या फिर गोगा बप्पा भी कहते हैं, गोगा बप्पा भी। तो द ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सरल सा आसान सा प्रश्न। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों, संत रैदास की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये दोस्तों पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संत रैदास की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है, ये है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में भी कुंभ श्याम मंदिर में, कहाँ पर, कुंभ श्याम मंदिर में। तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। अब दोस्तों बात करें अगर धींगा गणगौर की, ये आपके प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करें धींगा गणगौर की, तो दोस्तों इसका आयोजन वैसाख, इसका आयोजन कब होता है, वैसाख कृष्ण तृतीया को, कब होता है, वैसाख कृष्ण तृतीया को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि धींगा गणगौर का आयोजन कब होता है, तो सबसे पहले तो होता है आपके वैशाख कृष्ण तृतीया को, और कहाँ पर होता है, ये होता है दोस्तों आपके उदयपुर में। और दोस्तों इसका प्रारंभ महाराजा राज सिंह द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा राज सिंह द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। द ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, किस शहर का प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमें प्रश्न पूछा है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपके उदयपुर का। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न दोस्तों, मरु महोत्सव आयोजित किया गया है या फिर किया जाता है सेकंड ग्रेड, और दोस्तों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मरु महोत्सव दोस्तों आपके जैसलमेर में आयोजित होता है, और जैसलमेर में भी कहाँ, ये होता है दोस्तों आपके पोकरण में। और इस बार का मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, अगर स्टेडियम के बारे में पूछे तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, कहाँ पर दोस्तों, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इस बार का मरु महोत्सव आयोजित हुआ। और किस जिले में हुआ, जैसलमेर जिले में, किस स्थान के बारे में पूछे तो पोकरण में। तो सब ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 21वें प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 21वां प्रश्न है, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम था,
कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो ये दोस्तों गोविंद गिरी द्वारा आपके संप सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? संप सभा की। तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। और कहाँ कब की गई दोस्तों? 1883 में। कब की गई? 1883 में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 2200 प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित युवतियां पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित युवतियां। और इसे दोस्तों पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। पावली भात की ओढ़नी प्रश्न बन सकता है। किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा। और किसके द्वारा? अविवाहित महिलाओं द्वारा या अविवाहित युवतियों द्वारा। तो ब ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 2300 प्रश्न की ओर। 2300 प्रश्न दोस्तों मतिरारो भारो बांधनो आस्तीय है, पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो मतिरारो भारो बांधनो से आस्तीय क्या हुआ दोस्तों? ये आपके मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। यानी मतिरा को दोस्तों बारो बांधनों का आशय यह हुआ दोस्तों कि मतिरे के दोस्तों हम एक साथ इकट्ठा करके दोस्तों नहीं बांध सकते। यानी मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 2400 प्रश्न दोस्तों राजपूत चित्रकला कि किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। ये दोस्तों निहाल चंद संबंधित है आपके किशनगढ़ शैली से। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। और इसका स्वर्ण काल था दोस्तों आपके सावंत सिंह के काल को इसका स्वर्ण काल कहते हैं। किसके काल? काल को, सावंत सिंह के काल को। और दोस्तों बणी ठणी इसकी प्रसिद्ध चित्र करती है। कौन सी है? बणी ठणी। और दोस्तों इसे राजस्थान की मोनालिसा, इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बणी ठणी को। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी निहाल चंद चित्रकार किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से इसका संबंध है। और दोस्तों इस किशनगढ़ चित्रशैली के स्वर्ण काल कहा जाता है आपके सावंत सिंह के काल को। अगला प्रश्न और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? ये हुआ दोस्तों आपके नीम का थाना स्थान पर। और दोस्तों पंडित बंसीधर शर्मा की अध्यक्षता में दोस्तों इसका गठन किया गया। और नीम का थाना स्थान पर इसका गठन हुआ। और दोस्तों अप्रैल 1944 में, ध्यान में रखिएगा, अप्रैल 1944 में इसका गठन किया गया। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो स ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 25 प्रश्नों की हमने पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। और यकीन मानिए आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न मील के पत्थर साबित होंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।